मनोज तिवारी की सियासी हैट्रिक, कन्हैया कुमार को मिली करारी हार, हार के बाद तिवारी पर क्या बोले कन्हैया। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब सियासी घमासान मचा है कि सरकार कौन बनाएगा। नतीजों में बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली हैं, वहीं कांग्रेस की अगुवाई में बना इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर ही रुक गया। इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन किसी का सहारा किसी के काम नहीं आ सका। चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने फिर बाजी मार ली है। तिवारी ने अपनी हैट्रिक पूरी कर दी है। मनोज तिवारी के सामने उतरे कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद कन्हैया कुमार का बयान भी सामने आया है। कन्हैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, कांग्रेस पार्टी और हमारे चुनाव में अपना योगदान देने वाले समस्त कार्यकर्ताओं, साथियों और इंडिया समूह के सभी सहयोगी दलों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इस भीषण गर्मी में चुनाव करवाना एक कठिन जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी के सफल निर्वहन के लिए चुनाव आयोग, पुलिस, सुरक्षाकर्मी एवं नगरीय प्रशासन भी बधाई के पात्र हैं। अंत में मेरे विपक्षी उम्मीदवार मनोज तिवारी जी को तीसरी बार सांसद चुने जाने पर बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। इंडिया समूह को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का आदेश दिया है, उनका हुक्म सर आंखों पर। हम इस क्षेत्र की जनता के लिए एक सक्रिय एवं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनकी मांगों और मुद्दों के लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बता दें कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी से 1,38,778 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। मनोज तिवारी को कुल 8,24,451 वोट मिले, तो वहीं कन्हैया कुमार को 6,85,673 वोट मिले। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 2019 के चुनाव में भी बिहार में अपने गृह जिले बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा चुके हैं। 2019 में कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि तब भी उन्हें इससे भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। गिरिराज सिंह से 4,22,217 वोटों से हार कर कन्हैया कुमार को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन कमाल नहीं कर सका। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। पहले की तरह ही इस बार भी 7 सीट बीजेपी के खाते में ही गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।